उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 2 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में पहुंच चुका है, मगर उसको लाने में किस तरीके का रूट प्लान तैयार किया गया। हमारे साथ इस समय एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। सर, बांदा जेल पे पहुंचाना एक बहुत बड़ा कार्य था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो आज सफलतापूर्वक मुख्तार अंसारी को पहुंचा दिया। किस तरीके का प्लान तैयार किया गया, कितनी गाड़ियां, कितने कमांडोज की मदद ली गई? मुख्यालय के द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था कि गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत जो समय अवधि दी गई थी उसके तहत हम उपरोक्त कैदी को सुरक्षित जेल में पहुंचा देंगे। ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, ये इस तरह का कार्य प्रतिदिन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जाता है। इसकी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मीडिया में हाइप की गई है। अब हम जो आगे की कार्रवाई करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जितने भी जो ट्रायल पर केसेस हैं उसमें पेशी होगी, गवाही होगी, तथा कुछ केसेस हमारे भी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। हम उसमें जल्द से जल्द साक्ष्य एकत्रित करेंगे और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद से कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट के सामने पुलिस अपना पूरा पक्ष रखेगी, अभियोजन अपना पूरा एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद से जैसा माननीय कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। सर, वैसे देखा जाए तो बांदा जेल में एक बार अपराधी रह चुका है मुख्तार अंसारी, तो उसके गुर्गे पूरी तरह एक्टिव है, क्या उन गुर्गों से या आम कैदियों से उसको दूर रखा गया है जेल में? जेल के अंदर की जो व्यवस्था है वो जेल विभाग के द्वारा की जाती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पूरी पारदर्शी और पूरे निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई अवश्य हो रही होगी। और जब जब भी पेशी इत्यादि हो हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन हो और किसी तरह की कोई बदमाशी या किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं। अन्य मुकदमे जो हैं, जो जिन मुकदमे वांछित है, कई मुकदमे हैं जो ट्रायल चल रहा है, उस पर किस तरीके से कड़ाई पेश की जाएगी, क्योंकि एक पूर्वांचल का डॉन कहा जाता है मुख्तार अंसारी को, उससे बच ना पाए, जेल से बाहर निकल पाए, इसके लिए क्या उत्तर प्रदेश की रणनीति रही पुलिस? मैंने आपको बताया कि हम सारे साक्ष्य जो हैं और जो गवाह उनको हम ससमय प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में, और जो अन्य साक्ष्य हमारे पास हैं और उसके बाद से जो न्यायालय का निर्णय होगा वो उसको वो सर्वमान्य होगा। और कुछ केसेस जैसा मैंने बताया कि अभी विवेचनाधीन है, और विवेचनाधीन केसों में भी हम एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडीजी लॉ प्रशांत कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रोपड़ से बांदा जेल का सफर बहुत ही अच्छा रहा और सफलतापूर्वक उसको बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, और आगे जो भी केसेस में वांछित है, जिस ट्रायल चल रहा है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ शिव श्रीवास्तव, द भारत टीवी, लखनऊ।